नमस्कार, मैं नितिन पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की। सरकार दूर दराज के ग्रामों में जन स्वास्थ्य के लिए दीनदयाल चलित अस्पताल योजना के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है। वहीं एम्बुलेंस में चलित अस्पताल की मैदानी हकीकत यह है कि उसमें ना तो डॉक्टर है और ना ही दवाएं। छिंदवाड़ा जिले के तामिया, चार बुछुआ, हररोई और जुन्नारदेव विकास खंडों में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजारों में वहाँ आने वाले ग्रामीणों के उपचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति माह लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दीनदयाल अस्पताल योजना का संचालन करने वाले स्वयंसेवी संगठन महज औपचारिकताएं पूरी कर शासकीय राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं। सुविधाएं सिर्फ कागजों पर ही होकर रह गई हैं। शासन के नियमानुसार एक अस्पताल में उपलब्ध पूरी सुविधाओं की तरह पूरी व्यवस्थाओं से लेकर एम्बुलेंस वाहन में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना संचालित की जाती है। वहीं कागजों में पूरी सुविधा दर्शाकर एनजीओ चलित अस्पताल के नाम पर ग्रामीण अंचलों में बिना सुविधा दिए सरकार से पूरी राशि वसूल कर रहे हैं। वहीं लंबे समय से चल रहे दीनदयाल चलित अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ अन्य जांच में उपकरण के लिए आवश्यक उपकरण जैसे माइक्रोस्कोप, गांव में संदेश देने के लिए लाउड स्पीकर सिस्टम सहित अन्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। वहीं सभी प्रकार की दवा होने की अनिवार्यता के बाद भी ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। एम्बुलेंस में बने इस अस्पताल में एक चिकित्सक जो कि MBBS हो के अलावा लैब टेक्नीशियन, एक नर्स, ड्राइवर की व्यवस्था होना अनिवार्य है। वहीं संचालन करने वाली स्वयंसेवी संगठन BAMS और BAHMS चिकित्सकों को रखकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक 15,000 के मासिक वेतन पर रखे गए BAMS डॉक्टर को भी निकाल दिया जाता है। वहीं निकाले गए चिकित्सकों को बकाया भुगतान के लिए भी लटकाया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले में प्रतिमा लगभग 5.5 लाख रुपए से भी अधिक खर्च के बाद भी सुविधाएं ना के बराबर बनी हुई हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए स्थापित चलित अस्पताल गिने चुने 5-7 ग्रामीणों का इलाज कर खाना पूर्ति कर रहे हैं। छिंदी क्षेत्र के ढोड़मुआर ग्राम के राजू कोड़ोपा बताते हैं कि लोटिया के साप्ताहिक बाजार में चलित अस्पताल वाले दोपहर के बाद पहुंचते हैं। वहीं बंधी बोधल कछाड़ से बाजार के दिन आने वाले राजकुमार बताते हैं कि मैंने आज तक चलित अस्पताल कभी देखा ही नहीं। जिले के 4 विकास खंडों में खंड चिकित्सा अधिकारी चिकित अस्पतालों की निगरानी करते हैं। वहीं NRHM की फंडिंग से चलने वाले दीनदयाल चलित अस्पताल में हर साल मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ और दवाइयों का खर्च लगभग 66 लाख रुपए से भी अधिक पर पहुंच जाता है। कहने को तो चारों ब्लॉकों में BMO निगरानी करते हैं, लेकिन NGO अपने हिसाब से चलित अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। दीनदयाल अस्पताल के वाहन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। जिले में दीनदयाल चलित अस्पतालों में अक्सर चिकित्सक बदल रहे हैं। वहीं NGO द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट का मैदानी इलाकों के हिसाब से सत्यापन किया जाए तो दी जाने वाली और उपलब्ध सुविधाओं की कलाई खुल जाएगी। एक डॉक्टर ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि रुपये बचाने के लिए संचालन करने वाले NGO मिली भगत कर जुन्नारदेव ब्लॉक में फर्जी डॉक्टर रखकर काम करवा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को जान का जोखिम बना हुआ है। चलित अस्पतालों में 60 तरह की दवाएं रखने के प्रावधान है। वहीं दीनदयाल चलित अस्पताल में बमुश्किल से 10 तरह की दवा ही उपलब्ध रहती हैं। तो ये स्थिति थी मध्य प्रदेश सरकार की दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की। आगे और भी तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।